नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। माँ और बेटे का रिश्ता अटूट होता है, लेकिन एक कलयुगी बेटे ने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। 16 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की कोतवाली देहात के एक गांव में बेटे ने मां की कोख को कलंकित करते हुए अपनी मां के साथ दुष्कर्म किया। बुलंदशहर की एडीजे FTC2 कोर्ट के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने सोमवार को मां के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बेटे आबिद को उम्र कैद के साथ 51,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तौर पर चिन्हित कर कार्रवाई तेज कर दी। अभियुक्त आबिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गवाही और वैधानिक प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप महज 20 महीने में अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सका और सजा सुनाई जा सकी। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।